अलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि मैंने सोशल मीडिया से जितनी अर्निंग की थी वो मैंने विड्रॉ की है। तो जितने मैंने विड्रॉ की है उसके अलावा जितने बाकी चीज़ें थी, मैंने घर वालों को मैंने गिफ्ट्स दी जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पास जो है मैंने आज जो विड्रॉ की है वो मैंने आज घर वालों को मैंने देना है, क्योंकि यही घर वाले ही उसी को डिज़र्व करते हैं और मैं आज जिस जगह हूँ वो घर वालों की ही वजह से हूँ। तो उसके लिए मैंने आज चार एनवेलप लिए हैं। ये देखें, ये है फर्स्ट अर्निंग और ये है फोर एनवेलप्स, जिसमें से ये चार देखें, एक वो जिसको मैंने बाबा को देना है, एक अम्मी के लिए और एक छोटी सिस्टर के लिए और एक दिस वन इज फॉर चैरिटी। तो इन एनवेलप्स के ऊपर मैंने यहाँ पे नाम लिखने हैं और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और मैंने इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके फिर मैंने घर वालों को देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड दिस गोज फॉर चैरिटी। तो इस पे लिखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं फिर बाकियों पे। तो अभी लेट्स गो। गाइस, नाउ मैंने जितने भी इन्वेलप्स थे चार, मैंने सब पे मैंने लिख ली है विद द नेम और डिस्क्रिप्शन जो कि फॉर द लव सपोर्ट और उनके हमेशा जो साथ देने के लिए उसके लिए है। तो ये मैंने लिख ली है, ये देखें। नाउ मैंने अब अपने अर्निंग्स को इधर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरी लाइफ में कि ऐसा स्टेज आ चुका है लाइफ में कि मैं कुछ कर सकता हूँ और कर सकने के बाद अपनी फैमिली के लिए कुछ दे भी सकता हूँ। तो एक बीइंग अ बॉय और क्या चाहिए कि फैमिली के लिए कुछ करे, कुछ हाथ बटाए। तो अभी मैं ये करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। Now I'm done with all। मैंने लिख लिया है सारे एनवेलप्स पे चार और जो कि मैंने अभी देना है, मैं आपको रिएक्शन भी दिखाऊंगा। तो ये लिख लिया है मैंने सारा, डन, आई एम डन। तो मैं इसको उठाता हूँ और इससे भी ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि वो स्टेज जहाँ आप अपने फैमिली को कुछ दे रहे हो। तो कुछ मेरे पास जो अर्निंग्स थी वो मैंने विड्रॉ करके मैंने ये कर ली और दूसरा मैंने गिफ्ट्स दी। गिफ्ट्स मैं आपको नहीं दिखा सकता लेकिन मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिर लेट्स गो गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको आप सबको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं जो कि आपको पता है। आप जब बॉर्न करते हो और अनटिल आप स्टेबल नहीं होते हो, लेकिन जब इंसान स्टेबल हो जाता है अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं करना है।